नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीलीभीत शाहगढ़ रेल प्रखंड पर आखिरकार अब पैसेंजर ट्रेनों का जो लोड है वो आपको कब तक देखने को मिलने वाला है। जाहिर तौर पे इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, आचार संहिता हट चुकी है और अब फिर एक बार ये मुद्दा जो है ये फिर से तूल पकड़ता और गर्म होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आने लगा है कि पीलीभीत और मैलानी रेल प्रखंड पे पैसेंजर ट्रेनों का लोड कब बढ़ेगा। जाहिर तौर पर थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें दोस्तों, तो आप जैसा कि जानते हैं कि मिड टर्म में ही, इलेक्शन के दौरान ही, मिड टर्म में ही समर स्पेशल ट्रेन्स का जो संचालन है वो कहीं ना कहीं शुरू किया गया, जिसमें पीलीभीत और मैलानी रेल प्रखंड पर कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें हमें देखने को मिली जिनका संचालन हालांकि वर्तमान समय में हो रहा है। लेकिन उनकी बात अगर हम करें तो वो तमाम ट्रेनें, चाहे हम बात कर रहे हैं लालकुआं हावड़ा समर स्पेशल, चाहे हम बात करें लालकुआं बनारस सिटी, चाहे हम बात कर लें रामनगर लखनऊ, ये तमाम ट्रेनें पीलीभीत रुकती हैं, पीलीभीत के बाद सीधा पूरनपुर और पूरनपुर के बाद सीधा मैलानी। ऐसे में बीच के स्टेशन जो हैं, बीच के हॉल्स जो हैं, यानी कि सहरा मऊ हो गया आपका, शाहगढ़ हो गया, कुरैया हो गया, दुधिया खुर्द हो गया, ये तमाम स्टेशन वो हॉल्स के जो आसपास के क्षेत्रवासी हैं, यात्री हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं मायूसी लगातार बरकरार रही और उसी मायूसी का परिचय अब कहीं ना कहीं आचार संहिता लग जाने की वजह से देखिए ये भी हुआ कि तमाम ऐसी ट्रेन जो मैलानी तक आती थी उनमें से कुछ का विस्तार भी होना है। चाहे गोरखपुर मैलानी, गोरखपुर की बात करें माना जा रहा है कि इसका विस्तार पीलीभीत तक लगभग तय है। इसी के साथ साथ कुछ एक आध पैसेंजर ट्रेन का भी विस्तार होना था, अब वो विस्तार भी टल गया। ऐसे में अब इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, आचार संहिता हट चुकी है और अब एक बार फिर पब्लिक जो है क्षेत्र की, उनका ये सवाल खड़ा हो गया है कि भैया जून का आधा लगभग महीना बीत गया, अब आखिरकार पैसेंजर ट्रेनों का संचालन कब शुरू होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि देखिए अंदरूनी स्तर पर जो खबरें निकल कर आ रही हैं उनमें क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है और आखिरकार पैसेंजर ट्रेन का यानी कि जर्नल ट्रेन का लोड जो है वो कब तक देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो को अभी से लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में आप वीडियो को पहले देखिए उसके बाद जरूर बताइए अपनी राय। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए बात करें तो जाहिर तौर पे पैसेंजर ट्रेनों का लोड ना होना, आप देखिए लंबे समय से जब उद्घाटन हुआ था, थोड़ा सा पीछे चलेंगे अगर, तो लोगों का ऐसा मानना है, क्षेत्रवासियों का ऐसा मानना है कि हम जब उद्घाटन देख रहे थे शाहगढ़ रेल प्रखंड पर, मैलानी शाहगढ़ के बीच में जो उद्घाटन हुआ था, तब कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी थी कि हाँ अब पैसेंजर ट्रेनों का लोड बढ़ेगा धीरे धीरे। पीलीभीत अब तो जुड़ गया है, लिंक कनेक्शन हो गया, लेकिन वो चीज अभी देखने को नहीं मिली। एक लंबा समय सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन के साथ मैलानी शाहगढ़ रेल प्रखंड खास करके अगर हम बात करें तो लोगों को देखिए गुजारना पड़ा है, जिसका ट्रेन नंबर है 050-86 और 054-93 अप डाउन ट्रेन के रूप में ये आपको देखने को एक मिली। ऐसे में अब लोगों का ये मानना जरूर कहीं ना कहीं है कि भाई कम से कम पैसेंजर ट्रेनों का लोड बढ़े, मेमू ट्रेन का लोड बढ़े, मेमू ट्रेन इस सक्षम पर चलाई जाए, दैनिक यात्रियों के लिए ट्रेनें हों। हालांकि दोस्तों जो इंटरनली खबर निकल कर आ रही है कि माना यह जा रहा है कि अभी पीलीभीत मैलानी रेल प्रखंड पर उद्घाटन बाकी है, पीलीभीत रेल प्रखंड पर हो सकता है कि उद्घाटन किया जाए। हालांकि इसको लेकर मैं कुछ नहीं कहूंगा अभी, क्योंकि देखिए जब तक कुछ क्लैरिफिकेशन ना हो तब तक मुझे लगता है जल्दबाजी है कुछ भी बोलना, उद्घाटन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दूसरी चीज, उद्घाटन हो वो एक अलग विषय हो गया, मगर हाँ पैसेंजर ट्रेन और साथ ही साथ एक्सप्रेस ट्रेन हो तो ऐसे में माना जा रहा है कि जुलाई से हमें कुछ ट्रेनों का संचालन जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक चीज और बता दूं आपको कि इसी जुलाई में, यानी कि जुलाई जो आ रही है जुलाई 2024, या अभी इसी जुलाई से अब जो इंडियन रेलवे में टाइम टेबल होता है वो भी अब बदल दिया जाएगा। अमूमन आप जानते हैं अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को हर साल, हर वर्ष 1 अक्टूबर को टाइम टेबल बदला जाता था, लेकिन अब जुलाई में ही बदला जाएगा। तो 1 जुलाई से टाइम टेबल बदल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर भी आ रहा है कि चेन्नई एक्सप्रेस हो गई, बैंगलोर के लिए कुछ समाचार पत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो बैंगलोर के लिए कोई ट्रेन हो गई, इसी के साथ साथ चेन्नई के लिए ट्रेन है, मुंबई की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, तो तमाम ट्रेनों की उम्मीद देखिए एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में भी हमें जरूर से देखने को मिलेगी। तो वो सारी चीजें भी होने वाली हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ पैसेंजर ट्रेन जो अभी मैलानी तक आ रही है उनके टाइम टेबल में हो सकता है बदलाव हो जाए, उन्हें आगे एक्सटेंड भी किया जाना है। तो अब गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस हो गई, कुछ पैसेंजर ट्रेन हो गई, इनका विस्तार संभव है। और विस्तार ही नहीं बल्कि साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कुछ और पैसेंजर ट्रेन अब कहीं ना कहीं शाहगढ़ पीलीभीत रेल प्रखंड पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पैसेंजर ट्रेन चलाने को लेकर कहीं ना कहीं इंटरनली मंथन तो चल रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अभी स्पष्ट रूप से ऑफिशियल डिक्लेरेशन या ऑफिशियल कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। ऐसे में
इंटरनली जो सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो ये ज़रूर है कि हाँ टाइम टेबल और सारी चीज़ों पर टाइम मैनेजमेंट पर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ट्रेनों का लोड बढ़ेगा, हमारे रेल प्रखंड पे एक बड़ी समस्या है प्लेटफॉर्म्स की, अर्थात हमारे यहाँ खास करके अगर हम बात करें मैलानी से लखनऊ के बीच में या सीतापुर के बीच में, तो जो तमाम ऐसे स्टेशन जो पहले स्टेशन हुआ करते थे उन्हें हॉल्ट कर दिया गया है। अब एक किसी भी ट्रेन को किसी भी स्टेशन दो स्टेशन के बीच में क्रॉस कराने के लिए एक बड़ा लंबा टाइम पीरियड लेना पड़ता है, साथ ही साथ 25 से 30 किलोमीटर का तो दायरा कहीं नहीं रहा। ऐसे में अगर जैसे जैसे ट्रेन्स बढ़ेंगी कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा प्रेशर ज़रूर से है कि आखिरकार टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रेनें हुई तो ट्रेनें लेट भी होंगी। खैर ये एक अलग विषय है, लेकिन ये बड़ा सोचनीय और बड़ा गहन और बड़ा ही गहरा विषय है, इस पर हम डीप अलग से बात करेंगे। मगर हाँ ये ज़रूर कि इंटरनली उम्मीद करिए कि बहुत जल्द हमें पीलीभीत मैलानी रेल प्रखंड पर दैनिक यात्रियों के लाभ के लिए पैसेंजर ट्रेनों का भी संचालन ज़रूर से देखने को मिलेगा, और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं मैलानी लखीमपुर और लखनऊ रेल प्रखंड पर भी। बहरहाल हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द, आप हमारे साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द। नमस्कार।